हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा श्रीराम सिटी यूनियंस में बाइक फाइनेंस कैसे किया जाता है और नए बाइक कैसे मिलते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूं तो प्लीज़ दबा कर लाइक कीजिएगा, कम से कम 50-60 लाइक कीजिएगा यार। लाइक बिल्कुल नहीं आते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस है, श्रीराम का ही ब्रांच है। श्रीराम जो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस करती है और श्रीराम सिटी यूनियन है जो बाइक फाइनेंस करती है। बहुत सालों से अभी अभी जितने बाइक फाइनेंस आए हैं वो आए हैं, लेकिन सबसे पुराने बाइक फाइनेंस या तो फिर बैंक करती थी या श्रीराम करती थी, उसके अलावा कोई बाइक फाइनेंस नहीं करता था। तो श्रीराम के काफ़ी कस्टमर हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम सिटी में अगर आप जाएंगे तो बाइक फाइनेंस में आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें सैलरी 10-12 हज़ार से स्टार्ट होगी। इंसेंटिव मिला के 20-22 हज़ार रुपये आराम से बन जाएगा अगर आप अच्छे से काम करते हैं, ऑन रोड हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा तो आपको 15 हज़ार रुपये तो मिलेंगे ही। काम कुछ नहीं है, आपको हर डीलरशॉप पे पॉइंट में भेजा जाएगा, कभी आपको बजाज की में भेजा जाएगा, कभी हीरो में भेजा जाएगा, कभी TVS में भेजा जाएगा। नए रहेंगे, आपको फाइलें नहीं मिलेंगी। तो उसका रास्ता मैंने बता दिया है कि जब भी आप श्रीराम ज्वाइन करें तो डीलरशिप पॉइंट में हमेशा विजिट करते रहें। जहाँ जहाँ भेजा जाएगा, कस्टमर आता है तो उससे जैसे वो किस बाइक के बारे में पूछ रहा है, तो अगर सामने वाला बिजी है, जो बाइक दिखा पाए बाइक वाला शोरूम वाला बिजी है, तो खुद आप उसको ग्रीट करें, खुद उसको बाइक के बारे में बताएं। अगर नहीं भी पता हुआ होगा, थोड़ा बहुत ही पता होगा, तो आप उससे खुद बाइक के बारे में बताएं, सर ये बाइक अभी लॉन्च हुई, इतना माइलेज है, सब बाइक सेम ही होता है। हो सके तो बाइक के बारे में ज़्यादा पता करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ के जो सेल्समैन रहते हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं। आपने बाइक वाले को पकड़ लिया सेल्समैन के पहले, तो वहीं पर आप हो गए, आपका बाइक के बारे में बता भी दिया, प्लस वहीं पर आपसे पूछ लेगा सर फाइनेंस कितने में होगा, क्या नहीं होगा। तत्काल उसको अपने बेंच पे ले जाइए या यहाँ पर जहाँ आपका सेटअप है वहाँ ले जाइए, तत्काल फॉर्म भराइए, तत्काल वो डॉक्यूमेंट उनसे लीजिए और तत्काल उनसे फाइल साइन करा लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट वो कल परसों लाते रहेगा, नरसों लाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइल साइन हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक फाइल आपको मिल गई। ये हो गया श्रीराम में फटाक से काम करने का नतीजा। आप सेल्समैन से पहले ही कस्टमर को पकड़ लीजिए, ग्रीट कर लीजिए, बाइक के बारे में बता दीजिए और एक फाइल ले लीजिए, दो फाइल ले लीजिए, तीन फाइल ले लीजिए। उसके अलावा आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो एक अच्छा पोस्ट बनाइए कि मैं श्रीराम सिटी यूनियन में बाइक फाइनेंस करता हूँ बहुत ही कम ब्याज पे, और 2-3 घंटे में आपको बाइक फाइनेंस करके दे दूँगा। आप डेली अपने व्हाट्सएप मित्रों के पास भेजिएगा, सोशल मीडिया में आप फेसबुक इंस्टाग्राम जितने भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं उसमें डेली पोस्ट कीजिए आपके शहर में, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि मैं बाइक फाइनेंस में लग गया हूँ। उनको भी बोलिए कोई किसी को बाइक फाइनेंस चाहिए तो वो मुझको आके अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट बन जाएगा। दो महीने के अंदर पूरे शहर या ग्रुप को पता चल जाएगा कि आप बाइक फाइनेंस करते हैं, आप फटाक से फाइनेंस करते हैं, अच्छा फाइनेंस करते हैं। तो 2 महीने के अंदर जब आपका मार्केट बन गया तो आपको फिर बाइक के लिए भागना नहीं पड़ेगा, आपको डीलरशिप पॉइंट भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर बैठे बैठे कॉल आएगा। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप डीलरशिप पॉइंट जाएँ, आप सिर्फ जाके ऑफिस में बैठेंगे, फाइल साइन कराएंगे, ड्यू लेटर देंगे, जाके बाइक वो सामने ले लेगा, आपका इंसेंटिव भी बढ़ेगा, आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा। आप पास हो सके तो 1 साल में आपको टीम लीडर बना के आपको अच्छे पैकेज में श्रीराम फाइनेंस रख ले। श्रीराम फाइनेंस इस 2023 में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा अपने एम्प्लॉय लोगों ने सोच रही है। तो बिल्कुल आप बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर आपके पास हमेशा रहता है, मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। श्रीराम सिटी यूनियन के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ से HR से मिलकर आप जॉब के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि जॉब कब होने वाला है, कब जॉब की स्टार्टिंग कब होने वाली है, या फिर पूरी पहचान का होगा आपका तो उससे पूछ सकते हैं कि सर बताइए कि नया वैकेंसी कब निकलने वाली है। और श्रीराम में अगर आप फाइनेंस में हैं तो सिर्फ फाइनेंस करेंगे, श्रीराम सिटी में अगर फाइनेंस में हैं तो सिर्फ आप फाइनेंस करेंगे, अगर आप रिकवरी में हैं तो रिकवरी करेंगे। आपका चॉइस है कि आप किस में करें, आप फाइनेंस में करें, रिकवरी में करें, दोनों जॉब अच्छा है, दोनों जॉब में ऐसे कुछ नहीं है। कमाई श्रीराम फाइनेंस में तो जब से बना है तब से रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से काम कीजिए, अब महीने के मैं नहीं 6 महीने बाद बोलता हूँ मैं 25 हज़ार रुपये नहीं कमाया तो मैं बोल देना, मैं कमेंट करके बोल देना आप मेरे को। मैं इतना जानता हूँ श्रीराम के बारे में, इतना काम किया है, मैं अंदर में काम किया है, फाइनेंस लाइन के बारे में मैं घोल के मैं चाय में पी दिया हूँ,
हर चीज़ छोटे से बड़ी चीज़ मैंने सीखी है, हर कुछ मैंने सीखा है। तो आप कल मैंने बता वीडियो बनाया था कि EMI कैसे निकलना जाए, उसको वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा, शायद आपके पास पहुँच नहीं पाया। तो प्लीज़ चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद नोटिफिकेशन बेल भी दबा देंगे, तो जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आप तक पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो जिससे आप देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया नया फाइल कैसे करते हैं, नया फाइल कैसे ढूंढते हैं अपने आप को। जब तक आप मार्केट नहीं करेंगे आपको फाइल नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ डीलरशिप पॉइंट में जाके बैठे रहेंगे तो 10 लोग आके फाइनेंस करके चले जाएंगे, आपको नहीं वाला नहीं मिलने वाला। आपको आगे उठ के बढ़ के सेल्समैन की तरह वहाँ पर कस्टमर से मिलना पड़ेगा, आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। जब तक ये काम आप नहीं करेंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। बाकी रिकवरी में तो क्या, रिकवरी में आपको डेली फ़ोन करना पड़ेगा कस्टमर को, डेली जो जो के जो पैसा दे रहे हो तो ठीक है, जो नहीं दे रहे हैं उनके पास जाना पड़ेगा, हो सके तो गाड़ी झीक के भी लाना पड़ेगा उनसे। तो जैसे ही फील्ड आपको श्रीराम फाइनेंस दे, आप उसको अच्छे से दिल लगा काम कीजिए। यकीन मानिए श्रीराम या श्रीराम कमर्शियल फाइनेंस और श्रीराम सिटी फाइनेंस दोनों में अच्छे काम कर लिया तो बहुत प्रोग्रेस देती है, बहुत पैसा देती है और आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो श्रीराम फाइनेंस आपको लाइफ को बहुत आगे बढ़ा बना देगा। आप घर बना सकते हैं, अपनी गाड़ी ले सकते हैं, अच्छी शादी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये बात लिख के ले लीजिए कि श्रीराम फाइनेंस में बहुत फ़ायदा है, 2023 में श्रीराम फाइनेंस बहुत करियर है, बहुत अच्छा आप ग्रोथ करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके देगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।